आदाब नाज़रीन, फुर्सत के साथ आपसे बातें करने के लिए लीजिए हम फिर से आपसे रूबरू है और मुझे यकीन है कि हमारी आज की ये मुलाकात उतनी ही दिलचस्प साबित होगी जैसे कि हमेशा होती है। नाज़रीन, हम ख़वातीन हमेशा से ही समाजी, माशी और घरेलू इन तीनों ही मोर्चों पर नित नई चुनौतियों का सामना करती हैं। वैसे तो खुदा ने ख़वातीन को बेहतर सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन कभी कभी ऐसे मसाइल भी पेश आ जाते हैं जिन्हें सुलझाने के लिए, जिनके हल के लिए हमें किसी की गाइडेंस और सरपरस्ती की ज़रूरत होती है। जी हाँ, ऐसे में हमारा ये प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के कुछ ऐसी बातों पर मबनी है जिन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप अपनी ज़िंदगी को और अपनी शख्सियत को बेहतर तरीके से पेश कर सकती हैं, सजा सकती हैं, संवार सकती हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस शुमारे का। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा। जी हाँ नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा ज़रूर आता है जब उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आगे बढ़ने की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। ऐसे में कुछ कहानियाँ हमें मुतासिर करती हैं, कुछ शख्सियात हमें मुतासिर करती हैं। एक ऐसी ही खातून की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। जी हाँ, इनका ताल्लुक पसमंदा तबके से रहा। जी हाँ, बहुत ही गरीबी में ज़िंदगी गुजारी। पैदा हुई तो गमों से नाता जैसे जुड़ गया। एक बार तो जहर भी पिया और मरने की कोशिश की, लेकिन किस्मत में ज़िंदगी अभी बाकी थी। बच गई तो अहद किया कि कुछ करके अगर मरा जा सकता है तो कुछ करके जिया क्यों नहीं जा सकता। तो आइए आपको बताते हैं 2 रुपए से 500 करोड़ रुपए तक का सफर तय करने वाली इस खातून के बारे में। साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गांव रोपड़खेड़ा में पैदा हुई एक दलित खातून कल्पना सरोज की कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन बिल्कुल सच्ची। कम उम्र में शादी, ससुराल वालों के जुल्म, पैसों की कमी के चलते बहन की मौत और ऐसे ही कई सदमे झेल चुकी कल्पना ने ठान लिया था कि गरीबी नाम के मर्ज को वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खत्म कर देंगी। 16 साल की उम्र में कल्पना अपने चाचा के पास मुंबई आ गई। हालांकि उन्हें सिलाई बखूबी आती थी, लेकिन शुरुआत में महज 300 रुपए के मेहनताने पर धागे काटने का काम मिला। बाद में उन्होंने छोटे से घर में ही सिलाई मशीनें लगा ली। वो 16-16 घंटे रोज काम करती। उन्होंने 22 साल की उम्र में 50,000 का कर्ज लेकर फर्नीचर का काम भी शुरू किया। कल्पना ने अपनी मेहनत से 17 साल से बंद पड़ी एक कंपनी में फिर से रूह फूंक दी। एक घाटे की कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी में बदलने की कल्पना को कल्पना ने सच कर दिखाया। आज कल्पना कई और कंपनीज की मालकिन है। कल्पना सरोज को पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न के अलावा विदेशों में भी कई एजाजात से नवाजा जा चुका है। 2 रुपए की मजदूरी से शुरू हुई अपनी कहानी को कल्पना ने उस मोड़ तक पहुंचाया जहां से कामयाबी की डगर ने बाहें फैलाकर उनका इस्तकबाल किया। कल्पना आज खवातीन के लिए एक मिसाल है। उनकी शख्सियत ये पैगाम देती है, कल्पना को हकीकत में बदलना मुश्किल जरूर हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। नाज़रीन, वाकई इनकी कहानी सबक आमोज है। इन्हें देखकर ये लगता है जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा उसकी हिम्मत और हौसला है। जी हाँ, अगर हिम्मत, हौसला और लगन हो तो जिंदगी में सब कुछ पाना बेहद आसान है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको ले जाएंगे एक लॉयर के पास जो हम ख़वातीन को हमसे मुतालिक कानून के बारे में बताएंगी। साथ ही हम एक योगा एक्सपर्ट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो हमारी सेहत से जुड़ी हुई छोटी छोटी टिप्स हमें देंगी। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे आप ही के बावर्ची खाने में। जी हाँ, जहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बतौर घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करके हम कई इमराज का इलाज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये सभी बातें जानने के लिए हमें यहाँ स्टूडियो से बाहर जाना होगा। तो चलिए, आप तैयार हैं चलने के लिए मेरे साथ? नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने ख़वातीन से मुतालिक क़वानीन के बारे में जाना था अक्षिता जी से। एक मरतबा फिर से हम उन्हीं के पास आ गए हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अक्षिता जी, ये जानना चाहेंगे कि
बहुत सी माएँ परेशान रहती हैं अपनी बच्चियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, ऑफिस जाती हैं, तो उन्हें बड़ा ये डर सताया रहता है कि भाई मेरी बेटी सेफ है या नहीं है। और कई बार ऐसा होता भी है कि वर्क स्टेशन पर लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है। बिल्कुल, वो भी आपने बताया कि हर तरीके का ही हैरेसमेंट होता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। तो ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से कानून बनाए गए हैं जिससे कि ये लड़कियां मतलब सेफ रहें और जो घर में मौजूद उनकी माएँ हैं वो भी फिक्रमंद ना रहें उनके लिए। जी, 2013 में एक कानून आया था स्पेसिफिकली वर्क प्लेस में होती सेक्सुअल हरासमेंट से डील करने के लिए। इस कानून के हिसाब से अगर आपकी आप एक लड़की हैं, आप किसी जगह जाती हैं, वहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब सेक्सुअल हरासमेंट होती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उस लेवल की नहीं है कि मुझे पुलिस के पास जाना है। दैट इज़ नॉर्मली लोग जो पुलिस के पास जाना प्रेफर करते हैं वो उस लेवल पे करते हैं जहाँ पे रेप हो गया या एक ऐसी बदतमीजी आ गई जहाँ पे उनको लगा कि बस अब इसके आगे मैंने नहीं सहना। कई बार क्या होता है कि आपके साथ सेक्सुअल नेचर की बातें की जा रही है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, पर आपको कॉन्स्टेंटली वो बातें बोली जा रही है। बिल्कुल। एंड आप उस मोड़ पे भी नहीं होना चाहते कि मुझे पुलिस के पास जाना है, तो अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस आपकी पूरी सहायता करेगी। ये देखते हुए कि वर्क प्लेस के जो डायनामिक्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एक कानून आया है 2013 में जो बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है अक्रॉस इंडिया, जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इस कानून के मुताबिक अगर आपके पास एक वर्क प्लेस है और आप बॉस है और आपके पास 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं उस वर्क प्लेस में, तो आपको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बिठानी ही पड़ेगी। अच्छा। ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी में एक प्रेसिडेंट होगी जो महिला होगी और बाकी 2-3 और लोग होंगे, उनका महिला होना जरूरी नहीं है। वहां पे अगर उनके पास कोई भी कंप्लेंट आती है सेक्सुअल हरासमेंट की, विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रेप, विच इज फॉर एग्जांपल कोई आपसे बार बार बदतमीजी वाले सेक्सुअल नेचर के जोक्स क्रैक करता है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपका बॉस आपको ये कह देता है कि आपको प्रमोशन तभी मिलेगी अगर मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा ऑफ सेक्सुअल नेचर, एंड आप जॉब नहीं छोड़ना चाहते, आप कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन ऑब्वियसली आप ये सब भी नहीं करोगे। बिल्कुल। ऐसी सारी चीज़ों के लिए आप इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास जाओ, अपनी कंप्लेंट डालो, दे विल इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायर इनटू द मैटर, विच मींस पहले वो अपनी इंक्वायरी करेंगे, आपको बुलाएंगे, उस बंदे को बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, प्रॉपर एविडेंस लेंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ, किसने किसने देखा, कैसी कैसी तरह की बातें बोली गई, और उस बंदे को भी जिसके अगेंस्ट ये कंप्लेंट है उसको भी भुला के उससे पूछेंगे कि आपके अगेंस्ट ये एलिगेशन आई है, आप क्या कहते हो। बिल्कुल। अगर आपकी रजामंदी है तो वो कंप्लेंट आपकी रजामंदी से वहीं सेटल कर दी जाएगी कि हमने इसको एक बार समझा दिया है, अब आप बताएं आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इस कंप्लेंट को कि आप इसके आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपकी या इसकी दोनों में से किसी की ट्रांसफर कर देते हैं, या आपकी या इसकी दोनों में से किसी के टाइम स्लॉट्स चेंज कर देते हैं। उनके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी तरह आपको उस लेवल पे अकोमोडेट करे जिस लेवल पे आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि पूरी कंप्लेंट आगे चले और अल्टीमेटली पुलिस के पास पहुंचे, वो अपनी इंक्वायरी खत्म करे, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी पूरी इंक्वायरी करेगी कि इस वर्क प्लेस में क्या चल रहा है, और अल्टीमेटली अगर उस कमेटी को लगता है कि हाँ इस लेडी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो जो सेक्शन बनता है वो उसका आईपीसी का सेक्शन लिख के अपनी रिपोर्ट बना के एक आपके बॉस को पकड़ा देगी और एक पुलिस में दे देगी। अच्छा। और हर साल उनको आगे जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बनती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जिनको आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हेड करते हैं या जो भी ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करे, उनको भी एक रिपोर्ट देनी होती है कि इस कंपनी में कितनी कंप्लेंट्स आई, कितने मामले सुलझे, कितने मामले सेटल हुए, ये सारी चीज़ें उनको लिख के देनी है। तो इस कानून पे आजकल बहुत जोर है। अच्छा। छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वही डर की बात आ जाती है कि लोग बताते नहीं है। बिल्कुल। और कुछ ऐसा है कि इस कानून के अंदर सारा का सारा बर्डन जो है वो एम्प्लॉयर पे है, मतलब जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है तो एम्प्लॉयर ही फंसेगा।
फंसेगा इन द सेंस कि उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, उसकी कंपनी की इंक्वायरी होगी कि यहाँ पे चल क्या रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनाते हो एंड रेलेवेंट ऑफिसर जो इंचार्ज है उसको पता चल गया, तो वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है. आपकी कंपनी में 50,000 का जुर्माना लग सकता है कि आपने इस लॉ के तहत काम क्यों नहीं किया. अच्छा, सिमिलरली इस लॉ में एक और चीज़ है, जहाँ मैंने आपको बताया सेटलमेंट की बात आती है, और ये थोड़ा सा प्रिवेंटिव एक्शन है जो हम इस कानून में देख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. जो सेटलमेंट है कि आपने कंप्लेंट फाइल की, इस आदमी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की, अगर आप बोलो तो हम सेटल कर देंगे, उसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब वो पैसे के दम पे सेटल नहीं होगी. अच्छा, अगर आपने मैटर सेटल करना है तो वो आपसी बात करके या कोई सोल्यूशन ढूंढ के ही सेटल होगा. अच्छा, लेकिन आपको कभी पैसे के दम पे सेटलमेंट नहीं मिलेगी इस कानून के अंदर. अच्छा, ये है पहली चीज़. दूसरी चीज़, अगर इंक्वायरी की कमिटी को लगता है कि आपने फर्जी केस डाला है, तो वो आपके अगेंस्ट एक्शन स्टार्ट कर सकती हैं. अच्छा, वो आपके अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट कर सकती हैं कि कोई एविडेंस भी थी, क्या ये पॉलिटिकल नेचर का केस था, क्या ये किसी को डराने धमकाने के लिए फाइल किया गया था, इसमें क्या करना चाहिए आगे. तो मैं इतना देखती हूँ कि इस कानून के आने से वर्क प्लेस बहुत ही ज़्यादा सेफ हो चुकी है. और एक और चीज़ है, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है पर 10 लोग से कम है, तो आपको इंटरनल्स कंप्लेन कमेटी नहीं बनानी है. या एक मेड है, कहने को तो वो भी वर्कर ही है, वो भी जा रही है किसी के घर काम करने, वो क्या करे अगर उसके साथ वहाँ पे कुछ गलत होता है. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ये लोकल कंप्लेंट्स कमिटीज बनी हुई हैं, आप उनके पास जा सकते हो. और अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के टॉप बॉस के अगेंस्ट ही कंप्लेन करनी है, अब इंटरनल कमेटी का कोई भी मेंबर होगा, अगर वो आनाकानी करता है कि भाई नहीं कंप्लेन कर सकते, ये होता है वो होता है, आप सीधा लोकल कंप्लेन कमेटी के पास जा सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट की. अच्छा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी कौन सी है, लोकल कंप्लेन कमेटी कौन सी है, कंपनी को अपने बोर्ड पे लगा के रखना है कि ये है, ये इसका नंबर है, ये इनका ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप कंप्लेन फाइल करो. इसमें एक लिमिटेशन ये है कि अगर आपके साथ आज कुछ गलत हुआ है तो विद इन 3 मंथ्स आप वो कंप्लेन फाइल करें. अच्छा, अगर आप वो 3 मंथ की टाइमलाइन क्रॉस करते हैं तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने क्यों पहले नहीं बताया. एक इस कानून में ये लिमिटेशन, एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जी. बट अदरवाइज इसके आने से मेड से लेके कंपनी के टॉप एम्प्लॉयज तक को बहुत सुकून मिल गया है कि कंपनी के अंदर ये एक सिस्टम है जिसके पास वो जाके कंप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज एक छोटा सा डर पुलिस का रहता ही है. तो अक्षिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम सबको इतनी अहम मालूमात फराहम की, शुक्रिया आपका. थैंक यू. तो नाज़रीन, एक दफ़ा हम फिर से आ पहुँचे हैं पायल के पास, ये जानने के लिए कि योग के ज़रिए और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं ख़वातीन की जो हल हो सकती हैं. पायल, एक बार आपका बहुत बहुत फिर से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में. थैंक यू. अच्छा पायल, क्या होता है ना कि यंग एज में जैसे कि पीरियड स्टार्ट होते हैं जी, तो यंग बच्चियों को अक्सर काफ़ी पेन होता है, दर्द होता है, इस वजह से माएँ भी काफ़ी परेशान रहती हैं. अब स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो किस तरीके से मतलब मैनेज करेंगी वहाँ पर. या फिर अगर वर्क स्टेशन की बात करें तो हम रोज़ रोज़ छुट्टियाँ नहीं ले सकते. बिल्कुल. इसके अलावा जो और कई परेशानियाँ सामने आ रही हैं फीमेल्स की, वो ये कि थायराइड हो जाता है बहुत ही अर्ली एज पर ही जी. और डायबिटीज़ हो जाती है, साथ ही PCOD के मामले भी काफ़ी सामने आ रहे हैं. तो आज आप हमें कुछ मिली जुली एक्सरसाइज बताएं, योग बताएं इन सभी बीमारियों के हल, ताकि हम कर सकें इससे. जी समरीन, आपने सही फरमाया. इस समय में अगर हम देखें तो यंग लड़कियों में पीरियड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, उनके पेरेंट्स को भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई है, क्योंकि जब हमारे को पीरियड्स डिसबैलेंस होते हैं दैट मीन्स ये हार्मोनल प्रॉब्लम है. और आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई हैं इस समय में, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो PCOD है, चाहे शुगर है, ये सब हमारे को हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से होता है. देखिए, जो हमारे पैनक्रियाज हैं
वो हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है। बेबी होने वाला होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तब हमें पता चलता है हमें PCOD की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि हमारा खान पान और रहन सहन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे को हेल्दी फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय पे खाना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, समय पे सोना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें ये बात बचपन से हमें सिखाते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मेन हमारे को योगा करना है, इसके लिए बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसकी वजह से हम अपना शुगर, थायराइड, PCOD की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। साथ में कैसे हम वात पित्त कफ को कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है जब हम शुगर के पेशेंट हैं तो हमारे को शुगर फ्री गोलियां आजकल हर कोई खा रहा है, जो हमें कभी नहीं खानी चाहिए, ये हमारी हड्डियों को खोखला कर देता है। पायल, आपने बिल्कुल सही कहा, एक सही लाइफस्टाइल के जरिए ही हम एक अच्छी सेहत को पा सकते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम अक्सर 2 मिनट में सोचते हैं कि जल्दी से कुछ बनाएं और निकल लें, मैगी बना लिया खा के निकल जाएं, लेकिन उन 2 मिनट में हम फ्रूट काट कर भी खा सकते हैं। पायल, आपने हमें इन बीमारियों का हल तो बताया है, लेकिन कुछ योग आसन भी आप हमारे नाज़रीन को करके दिखाइए। जी बिल्कुल, चलिए। जैसे कि नाज़रीन, अभी आप लोगों को बताया कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें PCOD, थायराइड और शुगर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से योगाभ्यास करके हम इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं, और इस चलती फिरती हमारी लाइफस्टाइल के चलते हम 10 मिनट निकाल के कैसे इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया जो योग में की जाती है, जो हमारे थायराइड के लिए तो अच्छी है ही, साथ में सर्वाइकल के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। तो हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें एक जगह पर बैठना है, जैसे भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएं। और नीचे लेके आए। जिनको सर्वाइकल है वो नीचे ना देखें, वो बिल्कुल सामने देखेंगे। और जब हम ऊपर लेके जाएंगे गर्दन को, तो हमारा जो नेक है पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे साइड, अपने राइट साइड देखना है और लेफ्ट साइड देखना है। थायराइड गले से होने वाली बीमारी है, जो आयोडीन की कमी की वजह से हो जाती है, तो इसलिए हम आपको अपनी नेक की एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ग्रीवा शक्ति की तीसरी क्रिया करेंगे हम साइड, अपने कान को अपने शोल्डर से टच करना है, लेकिन हमारे को अपने शोल्डर को नहीं उठाना, सिर्फ अपने नेक को मूव करना है। आप 5 से 10 टाइम इसको करिए। इसके बाद आप अपने खुद रिलैक्स फील करेंगे। अब इसकी चौथी और आखिरी क्रिया चिन लॉक करेंगे और अपनी गर्दन को गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब जिन लोगों को सर्वाइकल है वो लोग हाफ सर्कल में करेंगे, वो आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे।
और रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे दूसरा अभ्यास। सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ जाएं, अपनी मुट्ठियों को ऐसे बंद करें। अब जो हमारी नाभि है उसके साइड में हमें रखनी है अपनी मुट्ठी और लंबी सांस लेकर छोड़ दें और आगे की तरफ झुक जाएं। जब हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तो हमारे जो पैनक्रिया है ये उसको प्रेस करता है, प्रेशर देता है, जिससे कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाता है और शुगर लेवल हमारा नॉर्मल हो जाता है और हमारे को शुगर जैसी बीमारी से निजात मिल जाता है। नॉर्मल सांस हम लोग करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। हमें ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है इसमें। अब हम करेंगे पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए। जैसा कि समरीन ने हमारे को बताया था कि बहुत सी लड़कियों को बहुत पेन होता है और ये बात बहुत हद तक सही है क्योंकि बहुत सी महिलाओं में बहुत ज़्यादा पेन देखा गया है, तो इसके लिए हमें तितली आसन करना है जिसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं। पहले अपने पैरों को ऐसे मिला लें, इसको पकड़ें अपने हाथों से, अपनी तरफ अपने पैरों को खींचना है। जब हम इस पोजीशन में बैठेंगे बैक स्ट्रेट रहेगा हमारा और धीरे धीरे हमार को अपने पैरों को हिलाना है। आप देखेंगे कि हमारे पैरों में, थाई में, जांघों में बड़ा खिंचाव महसूस होता है। जब ये खिंचाव होता है तो हमार को राहत मिलती है दर्द से और ये पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नाज़रीन, देखा आपने पायल ने आपको कैसे कैसे योग आसन बताए हैं। आपको ये योग करने हैं अपनी ज़िंदगी में, इसे अपनाना है और एक अच्छी सेहत पानी है। तो नाज़रीन, अगली मर्तबा फिर से हम आपसे मुखातिब होंगे किसी और परेशानी के साथ और उसके हल के साथ। इसके साथ ही चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आज एक मरतबा फिर हम आपके सामने हाजिर हैं, आपसे मुखातिब हैं और हमारे दरमियान फिर से मौजूद हैं डॉक्टर मुजम्मिल रहमान। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नाज़रीन को बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, छोटी छोटी चीज़ें, सौंफ के बारे में आपने बताया, काली मिर्च के फ़ायदे बताए, शहद के फ़ायदे, तुलसी, नीम, सबके फ़ायदे बताया, अजवाइन है, ये सब चीज़ें हमारे किचन में मिल ही जाती हैं। आज हम आपसे पूछेंगे काली मिर्च और लौंग के फ़ायदे। काली मिर्च और लौंग, लौंग दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती है हमारे किचन में। बिल्कुल, जो भी हमें नाज़रीन इस टाइम देख रहे होंगे उनके किचन में तो पक्का ये सब चीज़ें होंगी होंगी। आपने देखा होगा काली मिर्च का इस्तेमाल भी हम गले के दर्द में इस्तेमाल करते हैं। काली मिर्च को उसका पाउडर बना के, उसको शहद में और बादाम, तीनों चीज़ों को पीस के अगर हम उसको फिर शहद के साथ चटाएं बच्चों को तो वो गले में काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देता है। वो जो बलगम वहाँ जमा होता है वो निकल जाता है और एज एन एंटीसेप्टिक वहाँ पे काम करता है। शहद तो है ही साथ में और वहाँ पे बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट देता है। तो मेरे ख्याल से अगर बच्चों को नहीं, बड़े भी इसे इस्तेमाल करें तो काफी बिल्कुल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कि बस ये कि बच्चों में ये होता है कि बच्चे दवाई नहीं खाएंगे तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद, इसलिए कहते हैं कि उनकी बॉडी अभी बन रही होती है, बहुत सॉफ्ट होते हैं अभी वो लोग, तो बेहतर है कि हम बच्चों को वो दवाइयाँ ना दें ज्यादा कि जिस उनको नुकसान दें, घरेलू तरीकों से ही उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्योंकि ये रोज़ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इन चीज़ों के इस्तेमाल से ये भी होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। जब हमारी कुव्वत मनात वही बढ़ जाएगी, हमारी अंदर की कुव्वत बढ़ जाएगी तो बीमारियों के होने का कम से कम अंदेशा होगा, बहुत कम रहेगा। लौंग का जहाँ तक इस्तेमाल है, लौंग का तेल बहुत इस्तेमाल होता है। आपने लौंग के बारे में सुना होगा, बहुत सारे टूथपेस्ट में लौंग आ जाता है, कहते हैं लौंग वाला टूथपेस्ट। उसका यह कि जो लौंग का तेल है
उसमें एक ऐसी चीज़ है कि अगर टूथेक हो रहा है, दांत का दर्द है, ये है कि आप अगर दांत में दर्द हो रहा है, रात हो रही है, आप नहीं जा सकते डेंटिस्ट के पास, अभी आपके पास पेन किलर भी नहीं है, जब तक अगर बहुत ज़्यादा है दांत का दर्द बहुत तेज़ होता है, जब तक आप उसका इंतज़ाम कर सकते तब तक एक लॉन्ग उस दांत के दबा लें, उनको दबा के रखें ताकि उसका वो रस निकलता रहे और वो वहाँ पे अपना काम करे और आपको रिलीफ मिले, उस दर्द से निजात मिले। लौंग का तेल हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों का इस्तेमाल आप साथ में कर सकते हैं, या इन दोनों को मिला के लौंग और काली मिर्च और मसाले जात के साथ इनका इस्तेमाल आप गले की खराश के लिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार ये बताऊंगी, जैसे तुलसी का हमने बुखार में इस्तेमाल किया, हमने अदरक का इस्तेमाल हमने पहले भी बताया कि गला खराब है उसमें इस्तेमाल कीजिए, बुखार है उसमें कीजिए, इवन जो अस्थमा के पेशेंट है अगर वो रेगुलरली अदरक का इस्तेमाल करें, तुलसी अदरक की चाय बहुत फेमस है, उनको रेगुलरली पिएं, ये नहीं कि जब ज़रूरत हो, आप इनको अपनी रेगुलर ड्रिंक्स में यूज़ कर लीजिए, आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका जो अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कंट्रोल रहेगा, आपके जो रेडिकल्स बन रहे हैं वो जो वो हमारी बॉडी में नॉर्मली बनते रहते हैं जी। तो हमारी बॉडी में कमी होती है किसी चीज़ की एंटीऑक्सीडेंट्स की, वो हमें इन चीज़ों से मिलती है जो कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे बिल्कुल हमारे सामने हैं वो सब चीज़ें, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए, पता नहीं होता है हमें, तो उनका हम इस्तेमाल करें तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जो मैं ये ख़वातीन को कहना चाहूँगी या नाज़रीन को कहना चाहूँगी, हमारे किचन में ही हमारी एक फार्मेसी है, यही कह दे कि किचन हमारा दवाखाना दवाखाना है, वही फार्मेसी है, तो आप वहीं से अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, कि वो कहते ना कि दवाए गजाई या गजाए दवाई, कि हमारी उसी में से हमारी हमारी गजाई हमारी दवाई, हमारी दवाई हमारी गजा हो जाती है, तो हमारी जो गजा है उसी को हम एज ए दवाई इस्तेमाल करेंगे तो हमें शायद बहुत ज़्यादा वो केमिकल्स का जो हमें हम पे जो उसका एक्सपोजर है वो कम से कम हो जाएगा, और बच्चों को तो खास तौर पर उसकी तरफ हमें कराना नहीं चाहिए। तो आज के सिलसिले में हमने दालचीनी और काली मिर्च की बात की कि इसको इसका लौंग का तेल इस्तेमाल कीजिए, लौंग को दर्द के में इस्तेमाल कीजिए, या इन दोनों को मिला के गले के दर्द के लिए इस्तेमाल कीजिए, सूदिंग के लिए इवन काली मिर्च का इस्तेमाल गले के अलावा पेट के लिए भी सही है, और मसाले जैसे काली मिर्च जीरा अजवाइन सौंफ उन सब को इन सब का एक वो इफेक्ट है कि लेग्जेटिव्स है, कॉन्स्टिपेशन में इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, पेट में दर्द रह रहा है, गैस बनने की वजह से बेल्चिंग हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो उनमें ये काफ़ी फ़ायदा है, और आप हजमा बिल्कुल सही करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप जानती हैं आपने कितनी बड़ी बात कही है कि हमारा जो किचन है बावर्ची खाना है वो खुद में एक दवा खाना है, एक मिनी फार्मेसी है जी। बस हमें ज़रूरत है कि हमें कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे वो हमें फ़ायदा पहुँचाएगी, कैसे फैजियाब करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम मालूमात फराहम की है। नाज़रीन, हमारी डॉक्टर साहिबा ने आपको पिछले कई हफ्तों से, बल्कि मैं कहूँ कि इतनी जानकारी फराहम की है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से हम सेहतमंद रह सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमें पूरा यकीन है कि हमेशा की तरह पसंद आया होगा, और हमने आपको जो मालूमात फराहम की है उसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर पाएंगी। तो नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए मुझे यहीं दीजिए इजाज़त, अगली मर्तबा इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।